गाजा में हमास से युद्ध लड़ रहा इजराइल अब उसी अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है जिस अमेरिकी समर्थन की बदौलत वो युद्ध लड़ पा रहा है। दरअसल अमेरिका द्वारा दिए गए सैन्य हथियारों और सपोर्ट की मदद से ही इजराइल हमास से युद्ध लड़ पा रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इजराइल गाजा पर ऐसे हमले न करे जिससे आम नागरिकों और उनकी सुविधाओं से जुड़े स्कूल और अस्पतालों को नुकसान हो। इधर इजराइल अमेरिका की बातों को अनसुना करता हुआ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसके हमलों में आम नागरिक और बच्चों की भी मौत हो रही है। शरणार्थियों को भी हमलों के डर से इधर उधर भागना पड़ रहा है। इसराइल राफा इलाके में भी तेजी से सैन्य अभियान बढ़ाने की तैयारी में है। इसराइल की इस मनमानी पर अब अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि अगर इसराइल राफा के हिस्सों में हमास के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करता है तो उनका प्रशासन इसराइल का समर्थन नहीं करेगा और उसे हथियार उपलब्ध नहीं कराएगा। बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और युद्ध कैबिनेट को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे राफा में जाते हैं तो उन्हें हमारा समर्थन नहीं मिलेगा। उधर अमेरिकी चेतावनियों को इसराइल द्वारा सीरियस न लिए जाने से बाइडन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और उसे लगता है कि इसराइल गाजा के दक्षिणी हिस्से में शरण लिए हुए 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों पर आक्रामकता करेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बाइडेन प्रशासन ने इसराइल को दिए जाने वाले 2000 और 500 पाउंड के बमों को देने पर रोक लगा दी थी क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि इजरायली सेना यानी IDF इन बमों का इस्तेमाल राफा में कर सकती है। बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या उन अमेरिकी बमों का इस्तेमाल गाजा में नागरिकों को मारने के लिए किया गया था तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका इस्तेमाल किया गया था और उन बमों से गाजा में नागरिक मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका इसराइल को आयरन डोम मिसाइल इंटरसेप्टर और अन्य हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यरूशलम पूरे क्षेत्र में विरोधियों के हमलों का जवाब दे सके। उन्होंने साफ किया कि हम इसराइल या उसकी सुरक्षा से दूरी नहीं बना रहे हैं बल्कि इसराइल का वो समर्थन बंद कर रहे हैं जिससे कि वो आम आबादी वाले इलाकों में हमला करता है। उधर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने भी अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी। So we're going to continue to do what's necessary to ensure that Israel has the means to defend itself. But that said, we are currently reviewing some near-term security assistance shipments in the context of unfolding events in Rafah. Haven't made any decisions. We did pause as we reevaluated some of the security assistance that we're providing. Israel shouldn't launch a major attack in Rafah without accounting for and protecting the civilians that are in that battle space. And again, as we have assessed the situation, we paused one shipment of high payload munitions. And again, I think we've also been very clear about the steps that we'd like to see Israel take to account for and take care of those civilians before major combat takes place. We certainly would like to see no major combat take place in Rafah, but certainly our focus is on making sure that we protect the civilians. हालांकि नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं का कहना है कि हमास के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए राफा में हमला जरूरी है, लेकिन इधर बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि वो इजरायल को 7 महीनों के लिए बिना किसी शर्त के दिए गए समर्थन को अब जारी नहीं रख सकता है।